हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो के अंदर मात्रक एवं मापन के अंदर मात्रक पद्धतियों के बारे में बताया था। मात्रक कैसे यूज करने हैं, मात्रक लगाते समय अपने को क्या सावधानी रखनी, इसके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो के अंदर अपने कुछ वैराइट दूरियों के मात्रकों के बारे में वर्णन करेंगे और साथ ही साथ अपने बीमाओं की बात करेंगे। अब अपने जैसे दूरी के मात्रक लेते हैं तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इस प्रकार लिखते हैं। अब अपने कह दें अपने को सूर्य तक की दूरी मापनी है या अपने और किसी दूरस्थ ग्रह की दूरी मापनी है, तो वहां अपने किलोमीटर, मीटर इन दूरियों का उपयोग न करते हुए तीन दूरियां अन्य लेते हैं। इन्हें अपने बोलते हैं वैध दूरियों के मात्रक। और ये तीन है अपने पास, एक तो होता है प्रकाश वर्ष, एक होता है खगोलीय मात्रक और एक होता है पास्ट है। अपने पहले खगोलीय मात्रक के बारे में बात करते हैं। सूर्य और पृथ्वी की अगर अपने बात करते हैं, जैसे सूर्य है अपने और यहाँ पृथ्वी है, इन दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी है उस दूरी को अपने खगोलीय मात्रक दूरी बोलते हैं। तो कथा में लिखते हैं सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की औसत दूरी खगोलीय मात्रक दूरी कहलाती है। इसका जो मान है इसको एयू से दर्शाते हैं। ए का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल और यू का मतलब यूनिट होता है। और इसका मान 1.496 × 10⁻¹⁷ मीटर होता है। इससे अनुमानित 1.5 × 10⁻¹⁷ मीटर के लिए देते हैं। तो ये अपनी पहली दूरी थी सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की औसत दूरी खगोलीय मात्रक दूरी होती है। इसी प्रकार चरण के अंदर जो दूसरी दूरी अपने पास है उसे अपने बोलते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर बोल देते हैं। कई बार जैसे कंपटीशन में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो उसमें जैसे अपने को लिख दिया वर्ष, माह या महीना लिख दें अपने, सप्ताह और प्रकाश वर्ष, ये चार उदाहरण दे दिए। अपने को कह दिया इनमें से कौन सा भी संगत है, कौन सा गलत है। तो वर्ष, माह और सप्ताह ये तो समय का मापन कर रहे हैं। प्रकाश वर्ष में वर्ष आ रहे हैं, समय का मापन नहीं कर रहे, दूरी का मापन कर रहे हैं। इन चारों में भी संगति अपने पास है जो गलत है। तो प्रकाश वर्ष की अगर अपने बात करते हैं तो एक वर्ष में प्रकाश किरण जो दूरी तय करते हैं निर्वात के अंदर, वो दूरी अपने प्रकाश वर्ष होती है। तो कथन में अपने लिखते हैं एक वर्ष में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब अगर अपने इसका मान ज्ञात करें तो दूरी बराबर अपने लिखते हैं 4 × समय। तो चाल तो है प्रकाश की चाल और समय अपने पास है एक वर्ष। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे, एक घंटे के अंदर 60 मिनट और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। या तो अपने इस प्रकार लिख सकते हैं या डायरेक्ट अपने एक वर्ष की जगह 3.15 × 10⁷ लिख सकते हैं। एक वर्ष में सेकंड इतने होते हैं अपने। अगर इसको अपने हल करें एक लाइट ईयर को, तो ये जो मान अपने पास है 9.46 × 10⁻¹⁷ मीटर। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो होती है 1.5 × 10⁻¹⁷ मीटर। अगर इसे किलोमीटर में लिखते हैं तो 1.5 × 10⁸ किलोमीटर होते हैं। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻¹⁷ मीटर होता है। किलोमीटर में लिखे तो 9.46 × 10⁻¹⁰ किलोमीटर हो। तो ये अपने दूरी के दो मात्रक थे। अब अपने तीसरे मात्रक पास्ट की बात करते हैं। अभी अपने दो दूरियों के बारे में वर्णन किया, खगोलीय मात्रक और प्रकाश वर्ष। अब अपने तीसरी जो वह दूरी का मात्रक है वो पास्ट है, जिसे अपने इंग्लिश में पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं। और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसके अंदर इस प्रकार भी अपने एक चाप ले, जैसे चाप अपने ए बी और इसकी जो लंबाई है चाप की वो एक एयू के बराबर यानी खगोलीय मात्रक के बराबर है। और इस चाप को दोनों बिंदुओं को किसके ऐसे बिंदुओं पे मिलाएं, जैसे ओ बिंदु है अपने पास, अगर ये चाप इस बिंदु पर कोण 1 सेकंड बना ले, अपने अगर एक डैश लगाते हैं तो ये मिनट और 2 डैश लगाते हैं तो ये सेकंड के लिए होता है। तो एक एयू चाप द्वारा
किसी बिंदु पर बनने वाला कोण एक सेकंड हो, तो इस बिंदु से इस चाप की जो दूरी है यानी जो ये त्रिज्या अपने पास है वो पार सेक के बराबर हो। तो कथन अपने लिखा एक AU दूरी पर चाप लेकर इसके द्वारा किसी बिंदु पर बनने वाला कोण एक सेकंड हो तो इस बिंदु से चाप की दूरी पार सेक के तुल्य होती है। अगर इस तो अपने एक AU का मान ले तो यह होता है 1.496 × 10⁻¹⁷ मीटर और थीटा अपने पास है एक सेकंड, इसे लिख देते हैं 1/60 मिनट, मिनट को डिग्री में बदले तो 1/60 डिग्री और डिग्री को रेडियन में बदले तो 1/π/180 रेडियन। ये अपने पास इस प्रकार है कि 360 डिग्री है वो 2π रेडियन के बराबर होता है, 1 डिग्री 2π/360 π/180 रेडियन है और 1 जो रेडियन है वो 180/π डिग्री होता है। ये अपने थीटा का मान हो गया या कोण ले लें। फिर अपने ये लिखते हैं जो कोण है वो बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर चाप है एक AU और त्रिज्या अपने पास है पारसेक। तो जो पारसेक है अपने वो अपने पास होगा एक AU बटे थीटा, एक पारसेक बराबर 1.496 × 10⁻¹⁷ मीटर बटे 1/3600 × π/180। अगर इसे हल करते हैं अपने तो ये मान आता है 3.1 × 10⁻¹⁶ मीटर। एक पार सेक 3.1 × 10⁻¹⁶ मीटर के बराबर होता है, दूरी का अपने सबसे बड़ा मात्रक है। तो ये अपने दूरी के तीन मात्रक थे, खगोलीय मात्रक, प्रकाश और बहुत पार है। अब उन्हें कुछ छोटे पॉइंट के फॉर्म में लें अपने, जैसे अपने वो कह दें द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, तो ये अपने पास चंद्रशेखर सीमा है, CSL लिखते हैं चंद्रशेखर लिमिट। एक CSL जो है वो अपने 1.4 × सूर्य का द्रव्यमान और जो सूर्य का द्रव्यमान है वो 2 × 10³⁰ किलोग्राम होता, यानी ये 2.8 हो जाएगा। समय का सबसे छोटा मात्रक ये होता है सेक और एक सेक होता है 10⁻¹⁸ सेकंड। फिर अपने लेते हैं क्षेत्रफल का सबसे छोटा मात्रक, यह होता है वर्ग और एक जो वर्ग है वो 10⁻²⁸ मीटर स्क्वायर। इसी क्रम में अगर अपने और लें, जैसे कई बार कन्वर्जन के अंदर आ जाते हैं अपने को मान बदलने होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम इसको इस प्रकार लिखा जाता है, एक के ऊपर राउंड, कई बार गलती में अपने इसको इस तरह लिख देते हैं जो गलत है, एक के बिल्कुल ऊपर राउंड लिखा जाता है एक एंगस्ट्रॉम 10⁻¹⁰ मीटर, एक माइक्रोन म्यू एम लिखते हैं 10⁻¹⁶ मीटर होता है, एक फर्मी सेंटोमीटर बोलते हैं ये 10⁻¹⁵ मीटर। तो ये अपने तीन बृहद दूरियों के मात्रक, द्रव्यमान का बड़ा मात्रक, समय का छोटा मात्रक, क्षेत्रफल का छोटा मात्रक और ये कुछ कन्वर्जन थे। अब अपने आगे भौतिक राशि की विमाओं के बारे में बात करेंगे। अब अपने द्वितीय अध्याय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विमा, विमीय सूत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विमा का शब्द अर्थ होता है कि कोई वस्तु की माप क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है, तो उसके इन चीजों को अपनी विमा बोलते हैं।
अपनी स्थायी पद्धति के अंदर सात मूल राशियों के बारे में बताया। एक तो अपने पास के द्रव्यमान, दूसरा अपने लंबाई, तीसरा समय, इसके बाद तीन ही और एक ज्यादा से ज्यादा अपने ताप यूज करेंगे, वैसे तीन और है विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन चीजों का अध्ययन अपने 12वीं कक्षा में रहता है। द्रव्यमान के लिए अपने हम लिखते हैं, लंबाई के लिए एल, समय के लिए टी और ताप के लिए के लिखते हैं। इनकी जो घात लगाते हैं एम एल टी या के की या ए की एम पी की, उस घात को अपने विमा बोलते हैं। तो भौतिक राशि के मूल मात्र के प्रति एम एल टी, द्रव्यमान, लंबाई और समय लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि के विमा कहते हैं। जैसे उदाहरण लें, अपने विवेक लिखा आपने, तो वेग की विमा होती है M0L1T-1। एम एल टी की जो घात है वो 0, 1 और -1 है, तो 0, 1 और -1 को अपने विमा बोलेंगे। अब ये एक सूत्र लिख दिया आपने एम एल टी की घात लगा के, उसका अपने भौतिक राशि से संबंध बता दिया, इसे अपने बोलते हैं विमीय समीकरण। तो भौतिक राशि क्यू, उदाहरण में अपने पास यहाँ वी है क्यू, भौतिक राशि क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी। इसका विमीय सूत्र प्रमेय एल बी टी सी से जो संबंध प्रदर्शित करने अपने समीकरण दिखा रहे हैं उसे अपने विमीय समीकरण कहते हैं। तो क्यू बराबर एम ए एल बी टी सी, अगर क्षेत्रफल है यहाँ ए लिख देंगे, आयतन है तो बी लिख देंगे, घनत्व है तो डी लिख देंगे, वेग है तो वी, बल है तो एफ, यहाँ ए बी सी का मान बदलता रहेगा। तो ये जो संबंध दिखाने की समीकरण है भौतिक राशि और एम एल टी के बीच में, इसे अपने विमीय समीकरण या विमीय सूत्र कहते हैं। अगर अपने को विमा लिखनी है तो पहली बात तो ध्यान रखने वाली बात है कि एम एल टी को इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखने, अपने ये नहीं लिखने, ये गलत हो जाए। दूसरा, इसके दोनों ओर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट अपने पास ये भी है छोटा, ये मंझला और ये बड़ा, तो बड़ा कोष्ठक का उपयोग किया है। तो विमीय सूत्र में प्रत्येक मूल मात्र अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखा जाता है तथा बड़े कोष्ठक का उपयोग करते हैं। विमा मात्रिक पद्धति पे निर्भर नहीं करती। अब जैसे वेग का उदाहरण लिया था, तो वेग का एम के एस पद्धति के अंदर मात्रक मीटर प्रति सेकंड और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन विमा अपने पास M0L1 और T-1 जाएगी। तो जो विमा है वो मात्रक पद्धति पे निर्भर नहीं करती। मैं चार मात्रक पद्धतियां बोली, FPS, CGS, MPS और MKS का सूत्र, और ऊपर के पास ऐसा ही है। तो इन चारों के अंदर जो विमा है वो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। फिर शुद्ध संख्या, शुद्ध अनुपात, कोई भी अपने नंबर लिख दें, जैसे 7 लिख दिया, 10 है, इनकी कोई विमा नहीं होती। M0L0T0 ये विमा नहीं होती। शुद्ध अनुपात है, जैसे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का होता है प्रथम माध्यम में चाल बटे द्वितीय माध्यम में चाल, दो माध्यमों में चाल का अनुपात है, ये भी विमाहीन है। अगर अपने लिख देते हैं कोण, ये चाप बटे त्रिज्या, ये भी विमाहीन है। अपने साइन थेटा, कोस थेटा, टेन थेटा कुछ भी लिख रहे हैं त्रिकोणमिति पर, तो ये सब विमाहीन होते हैं। तो शुद्ध संख्या, शुद्ध अनुपात विमाहीन होते हैं। फिर समान मूल मात्रकों की विमाओं पर जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान मूल मात्रक का मतलब अपने पास है वेग में वेग जोड़ना, वेग से वेग घटाना, बल में बल को जोड़ना या घटाना। अपने ये नहीं हो सकता कि अपने वेग प्लस बल करते, दोनों की विमा अलग अलग है। वेग में तो L1T-1 होता है, बल में M1L1T-2 होता है। ये अलग अलग विमाओं की चीजों को अपने जोड़ नहीं सकते। हाँ, इनका गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, लेकिन समान विमाओं को जोड़ सकते हैं। मतलब अपने वेग प्लस वेग हो सकता है। एक उदाहरण अपनी और लिखते के अंदर, जैसे गति की पहली समीकरण है v बराबर u प्लस at, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, तो जो at है ये भी वेग है। त्वरण को अगर समय से गुणा करेंगे तो वेग आता है, तो वेग में वेग जोड़ने पर वेग प्राप्त हो रहा है। तो समान मूल मात्रकों की विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। फिर अगले बार अपने यदि किसी भौतिक राशि में समस्त पदों की विमाएं समान हो, जैसे इसी समीकरण के अंदर तीनों पद की जो विमा है वो M0L1T-1 है, या ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा आपस में बराबर आएगी।
इसे बोलते हैं अपने समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यदि किसी भौतिक राशि में समस्त पदों की विमाएं समान हो तो इसे समानता का सिद्धांत कहते हैं। तो यह अपनी विमाएं लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब अपने कुछ भौतिक राशियों की बात करेंगे और उनके अपने विमीय सूत्र स्थापित करेंगे। इनको डायरेक्ट रटना बहुत मुश्किल है, कारण कि एक ही विमा जैसे वेग M0L1T-1 है, बल M1L1T-2 है, तो एक बार रटेंगे बाद में भूल सकते हैं। इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनके अपने सूत्र याद करें। विवेक का सूत्र क्या है, बल का सूत्र क्या है, उसके अंदर फिर अपनी विमा लिखें। द्रव्यमान का जिक्र हो रहा है, एम लिखें। अगर द्रव्यमान का वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा, द्रव्यमान की घात 3 है तो यह 3 है, तो द्रव्यमान के लिए एम लिखते हैं। फिर अपने पास है दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, व्यास, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। इन या आपने कह दें परिधि है, इन सभी के लिए एल लिखा। अगर इनकी घात 2 है तो एल की घात 2 हो जाएगा, इनकी घात 3 है तो एल की घात 3 हो जाएगा, अगर इनकी घात 1 है तो एल की घात 1 रहेगा। समय से संबंधित कुछ भी हो उसके लिए टी लिखा है। जब अपने बीमा बनाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान बोल दिया तो हम लिखेंगे, दूरी विस्थापन ये चीजें ले दी तो एल आ जाएगा, अब समय है तो अपने पास टी आएगा। अब अपने कुछ भौतिक राशियों के बीमा इन सूत्र की स्थापना करें। जैसे पहला अपने लिए पहली राशि है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, तो ए लिख दिया। जैसे आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, अभी हमने बोला था लंबाई और चौड़ाई के लिए एल लिखते हैं, तो एम है नहीं इसमें, एम की घात 0, एल 2 बार है तो एल की घात 2, टी 0। तो ये अपने क्षेत्रफल की विमा एम 0, एल 2, टी 0। फिर उसके बाद इसका अगर एम के मात्रक लिखें तो ये मीटर स्क्वेयर, सीजीएस में लिखें तो सेंटीमीटर। तो ये अपने क्षेत्रफल हो गया। दूसरा आपने लिखें आयतन, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, तो वी लिखेंगे, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इन तीनों के लिए एल लिखा जाएगा। इसमें द्रव्यमान नहीं है, लंबाई 3 बार है, तो एम 0, एल 3, टी 0। तो ये अपने क्षेत्रफल था, ये आयतन। इसका अगर एम के मात्रक लें अपने तो मीटर क्यूब, और सीजीएस ले तो सेंटीमीटर। फिर इसी क्रम के अंदर तीसरा घनत्व, डेंसिटी बोलते तो डी, तो द्रव्यमान बटे आयतन। तो आपने बोला था द्रव्यमान के लिए एम, आयतन के अंदर एम 0, टी 0 छोड़ देते हैं, एल क्यूब है, यहां एल क्यूब लिख दें। तो डी बराबर एम 1 एल माइनस 3, टी 0। अगर इसके एम के मात्रक लिखें तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, सीजीएस में लिखें तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने तीन विमाएं थी। अगर अपने चौथी लें वेग या चाल, दोनों में से कोई ले लें, वी से दर्शाते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड, वेग होता है विस्थापन बटे समय। अगर चाल लिखते हैं तो दूरी बटे समय, तो विस्थापन और के लिए एल और समय के लिए टी। इसकी विमा बनेगी एम 0 एल 1 टी माइनस वन। एम के मात्रक मीटर प्रति सेकंड और सीजीएस सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर पांचवी विमा लें त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण, इनके विमीय सूत्र बराबर होते हैं। त्वरण के लिए ए और गुरुत्वीय त्वरण के लिए जी लिखते हैं। ये होता है वेग बटे समय। वेग की विमा थी एम 0 एल 1 टी माइनस 1 और समय के लिए टी 1। ये टी 1 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 होगा,
तो ये एम जीरो एल वन टी माइनस टू, इसका जो एम के मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब अपनी छठी विमा की बात करते हैं, छठी विमा अपनी लेते हैं बल भार या डोरी का तनाव, तो एफ लिखें, ये होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान के लिए एम वन, त्वरण के लिए एल वन टी माइनस, एल वन टी माइनस टू लिखेंगे तो इसका जो विमा बनेगी एम वन एल वन टी माइनस टू। ये विमा सबसे ज्यादा काम में आएगी, तो इसे ध्यान जरूरी रखना आपने, बल की विमा एम वन एल वन टी माइनस टू होती है, इसका जो एम के एस मात्रक है वो न्यूटन एस आई एम के एस, और जो सीजीएस मात्रक है वो टाइम, और एक न्यूटन दस की घात पांच टाइम के बराबर। फिर नेक्स्ट अपने विमा ले सातवीं, रेखीय संवेग, इसको P से दर्शाते हैं, द्रव्यमान गुना वेग, एम वन द्रव्यमान, वेग लेंगे तो एल वन टी माइनस वन, ये आ जाएगा एम वन एल वन टी माइनस वन, इसका एम के एस और एस आई मात्रक दें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड, और सीजीएस मात्रक लें तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड या डाइन सेकंड। फिर अपने आठवें विमान आवेग, इंग्लिश में इंपल्स बोलते हैं, तो आई लिखेंगे, ये होता है बल गुना समय, बल की विमा एम वन एल वन टी माइनस टू और समय का टी वन, तो ये अपने पास आएगा एम वन एल वन टी माइनस वन। इसका जो मात्रक है वो रेखीय संवेग वाली है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड और डाइन सेकंड, ये आवेग का। नेक्स्ट अपने ले आठ ये नौ, नेक्स्ट अपने पास है कार्य और ऊर्जा, कार्य होता है बल गुना में विस्थापन, तो बल एम वन एल वन टी माइनस टू और विस्थापन एल वन, इसका आएगा एम वन एल टू टी माइनस टू, इसका अगर एम के एस मात्रक लें अपने तो ये जूल बड़ा जे लिखते हैं, के जी एस मात्रक लें तो अर्ग, एक जून दस के घात सात अर्ग के बराबर। इसके क्रम में अपने अगली जो विमा है वो दाब या प्रतिबल है, एक अपने लेंगे शक्ति, फिर अपने ले सकते हैं कौन, विकृति, फिर अपने लेते हैं प्रत्यास का गुणांक, तो जैसे अपने दाब या प्रतिबल ये होता है बल बटे में क्षेत्रफल, तो बल के लिए लिखेंगे तो एम वन एल वन टी माइनस टू बटे क्षेत्रफल है टू, तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ये एल टू ऊपर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा। इसका जो एम के एस मात्रक है बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वेयर, और सीजीएस डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वेयर, जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेयर है इसे पास्कल लिखा जाता है,
एक न्यूटन प्रति मीटर से पास्कल के बराबर होता है। फिर हमें शक्ति ले पावर ये होता है कार्य बटे समय। कार्य की विमा M1L2T-2 बटे समय की T1। हल करेंगे तो M1L2T-3 आएगा। इसका एम के मात्रक या एस आई मात्रक लें तो वाट है, डब्ल्यू से दर्शाते हैं, और सीजीएस जो मात्रक है वो अपने पास अर्ग प्रति सेकंड है। इसका एफपीएस जो मात्रक है वो होता है असल शक्ति हॉर्स पावर, और एक असल शक्ति 746 वाट के बराबर। फिर बार में विमा कोण ले तो कोण होता है चाप बटे त्रिज्या एल बटे एल, ये विमाहीन होगा M0L0T0, ये विमाहीन राशि है। फिर अगली जो अपने पास विमा है वो विकृति। विकृति जैसे अपने कहेंगे अपने पास से कोई डोरी है इस लंबाई पे, इसको अपने बाहर लटका दें जिसकी लंबाई बढ़ जाएगी, जो पहले इतनी लंबाई थी बाहर लटकाया इस पे, इसकी लंबाई बढ़ के इतनी हो। इसकी जो लंबाई में परिवर्तन एल और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल है, तो परिवर्तन कितना हुआ और प्रारंभ में कितना था, ये जो अनुपात है विकृति होता है। तो इसको एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, ये होता है विमामीय परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, जैसे एल बटे एल लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो ये विमाहीन और मात्रकहीन है। विकृति विमाहीन और मात्रकहीन। फिर अपने प्रत्यास्थ गुणांक, इसको ई से दर्शाते हैं, ये होता है प्रतिबल बटे में विकृति। प्रतिबल M1L-1T-2 बटे M0L0T0। प्रति विमा इनसे प्रतिबल M1L-1T-2 था। इसकी जो विमा है वो M1L-1T-2 है। इसके जो मात्रक है प्रत्यास्थ गुणांक के, वही मात्रक है जो प्रतिबल और दाब के, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वेयर और डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब अपने नेक्स्ट फेज के अंदर गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, ये अपने होता है जी से दर्शाते हैं, होता है बल गुना दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान का वर्ग। तो बल होता है M1L1T-2 दूरी L2 बटे द्रव्यमान M2। ये अपने पास आ जाएगा M-1L3T-2। नेक्स्ट ले अपने आवर्तकाल, ये होता है एक चक्कर का समय, जैसे घड़ी के सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, मिनट वाली सुई 1 मिनट घंटे में चक्कर लगा रही है, तो एक चक्कर का समय M0L0T1। फिर अपने लेते हैं आवर्ती, इसको न्यू से दर्शाते हैं, एक बटे आवर्तकाल होता है M0L0T-। इसके अगर मात्रक की एम के मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर प्रति किलोग्राम स्क्वेयर, और सीजीएस लें तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर प्रति ग्राम स्क्वेयर होता है। समय है इसका मात्रक सेकंड, मीटर अपने आवर्ती का प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। तो ये अपने कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र थे। इस प्रकार बहुत सी भौतिक राशियां अपने पास है जिनके अपने विमीय सूत्र बना सकते हैं, पर अपने वो एक सबसे जो मूल बात है उनके अपने को सूत्र का पता होना चाहिए। अगर अपने सूत्र याद है तो अपने विमीय सूत्र बहुत आसानी से बना सकते हैं, डायरेक्ट अगर रटते हैं तो उसमें अपने थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये आज अपने कक्षा 11 का टॉपिक था, वैडूर्यों के मात्र, बीमा और विमीय सूत्र।